हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द ज्ञान गंगा एकेडमीज इंटरेक्टिव क्लासेस हेलो एवरीवन टुडे वी विल वर्क इन टू सब्जेक्ट्स फर्स्ट इन हिंदी एंड सेकंड इन मैथ्स वी विल स्टार्ट विद हिंदी एंड स्टूडेंट्स दिस इज योर हिंदी नोटबुक बच्चों आज हम टू सब्जेक्ट्स में वर्क करेंगे पहले हम हिंदी में वर्क करेंगे और उसके बाद हम मैथ्स में वर्क करेंगे और ये आपकी हिंदी की नोटबुक है तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है छोटे की मात्रा की एक्सरसाइज तो नोटबुक में आपको क्या एक एक्सरसाइज मैंने आपके लिए रेडी की है देखते हैं उसमें क्या दिया गया है चित्र देखकर शब्दों को पूरा कीजिए यहां पर मैंने आपके लिए कुछ चित्र है, कुछ बनाए हैं कुछ पिक्चर्स बनाई हैं आपको क्या करना है उनको देखना है और फिर यहाँ पर उनके जो शब्द है उनको पूरा करना है चित्र को पहचान कर ठीक है ना वहां पर पूरे शब्द से पूरा शब्द नहीं बन रहा है कुछ उसमें मिसिंग है तो आपको वो शब्द लिखना है और फिर उन शब्दों को कंप्लीट करना है राइट स्टूडेंट्स तो देखेंगे ध्यान से पिक्चर पहचानने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद शब्दों को कंप्लीट करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले जो पिक्चर हमें यहाँ पर दिख रही है वो है किस चीज की है कौन बताएगा मुझे वेरी गुड वेरी गुड जल्दी से बताइए क्या है ये yes. यस इसे बोलते हैं धनुष क्या बोलते हैं इसको धनुष क्या बोलते हैं धनुष ध नु धनुष ठीक है अब देखते हैं जो इसका शब्द लिखा है उसमें क्या मिसिंग है हमें क्या लिखना है और फिर उसको पूरा करना है तो यहाँ पे लिखा है ध श तो क्या आना चाहिए इसमें ध नु श तो बन जाएगा धनुष है ना तो बीच में हमें क्या लिखना है नु तो न, नौ पे छोटे नोटे की मात्रा नु ध नु श धनुष ध नु श धनुष राइट अब सेकंड है यहां पर सेकंड पिक्चर जो यहां पर है उसे बोलते हैं कु ट मुकुट मुकुट किसे बोलते हैं जो राजा महाराजा लोग पहनते हैं है ना क्वीन्स पहनती है ठीक है तो उसे बोलते हैं धनुष वो सॉरी मुकुट राइट तो क्या बोलते हैं उसे मुकुट तो ये है मुकुट की पिक्चर अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कौन सा अक्षर नहीं है जिससे कि यहाँ पर ये यह शब्द इनकम्प्लीट है आपको वो लिखना है और फिर उसे पूरा करना है अब यहाँ पे है मौ पे छोटे की मात्रा मुट मुट है ना अब इसमें क्या नहीं है मु कु, ट, मुकुट तो यहां पर कु नहीं है तो हम यहां पर लिख देंगे कु कॉपे छोटे ओ की मात्रा कु, मु, कु, ट, मु, कु ट मुकुट राइट अब नेक्स्ट पिक्चर जो है यहाँ पे ये एक फूल है इसको क्या बोलते हैं वेरी गुड इसे बोलते हैं गुलाब गुलाब है ना जिसको इं, इंग्लिश में बोलते हैं रोज ठीक है हिंदी में से बोलते हैं गु ला ब, गुलाब अब यहां पर सिर्फ ला लो लौ, लौ पे आ की मात्रा ला ब लाव लिखा है तो ये इसमें क्या नहीं है आगे गु नहीं है ना तो हम यहां पर लिखेंगे गौ, गौ पे छोटे ओ की मात्रा गु ला ब, गुलाब गु ला ब, गुलाब नेक्स्ट पिक्चर है यहां पर जो ये बना हुआ है इसको बोलते हैं सुराही क्या बोलते हैं इसे सुराही इसमें गर्मियों में पानी रखते हैं ठंडा रहता है ठीक है ना इसे बोलते हैं सुराही। सुराही अब यहां पे लिखा है सौ, सौ पे छोटे की मात्रा सु रौपे की मात्रा रा सुरा सुरा सु, रा लिखा है ना अब इसमें क्या नहीं है सुरा ही।, ही नहीं है तो हा, हा पे बड़ी की मात्रा आएगी ही क्योंकि लंबा खिंच रहा है ना देखो रा ही, ही नहीं है है ना तो अगर ही होता है तो फिर छोटे की मात्रा आती लेकिन यहां पर है रा ही तो यहां पर बड़ी की मात्रा आएगी रा ही सुरा ही अब नेक्स्ट पिक्चर है यहां पर ये यह किसकी है इसे बोलते हैं गुड़िया गुड़िया क्या बोलते हैं इसे गु री या गुड़िया जिसे कि इंग्लिश में डॉल बोलते हैं राइट तो अब यहां पर देखो रोपे छोटी की मात्रा री यो, यो पे आ की मात्रा या री या लिखा है क्या लिखा है री या इसे क्या बोलते हैं गुड़िया या तो इसमें क्या नहीं है गौपे गौ छोटे ओ की मात्रा गु गु नहीं लिखा है यहाँ पर तो हम यहां पर लिख देंगे गौपे गौ छोटे ओ की मात्रा गु गु, गु या गुड़िया 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 फिर नेक्स्ट पिक्चर जो है यहाँ पर इसको बोलते हैं साबुन साबुन जिसे आप लोग डेली नहाते हैं राइट तो ये क्या है साबुन साबुन अब यहां पे लिखा है सौ सौ प्या की मात्रा सा न सान लिखा है यहां पर बीच में इसमें कुछ मिसिंग है क्या है वो सा, बुन, सा बुन, है ना बु है तो ब बे छोटे की मात्रा बु अब हो गया सा, बू, न, सा बो बो पे छोटे की मात्रा बु न सा बु न साबुन राइट तो इस तरीके से हमने इन शब्दों को पूरा कर लिया जो कि इनकम्प्लीट थे कुछ अक्षरों की वजह से ठीक है ना तो पहला है धनुष धनुष मुकुट मुकुट गुलाब गुलाब सुराही सुराही गुड़िया गुड़िया सा बु न साबुन राइट right, स्टूडेंट्स तो आपको भी अपनी हिंदी की नोटबुक में इन पिक्चर्स को बनाना है और फिर उसके बाद इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है तो आप चलते हैं आपके सेकेंड वर्क पे जो कि है मैथ्स में एंड नाउ वी आर ऑन योर मैथ्स नोटबुक और अब हम आपकी मैथ्स की नोटबुक पर हैं। एंड आर टूडेज टॉपिक इज नंबर्स नेम फोर्टी वन टू फिफ्टी एन यू एम नम बी आर -E बर स नंबर एन ए एम ई नाम फोर्टी वन से फिफ्टी तक ठीक है इससे पहले हमने थर्टी वन से लेके फोर्टी तक किए थे नंबर्स नेम और आज हम कर रहे हैं फोर्टी वन से फिफ्टी तक ठीक है तो उसके लिए आपको क्या आना चाहिए फोर्टी की स्पेलिंग आनी चाहिए और वन से लेके नाइन तक आपको नंबर्स के नेम आने चाहिए तो हम फटाफट से लिख लेंगे फोर्टी की स्पेलिंग क्या होती है एफ ओ आर टी वाई फोर्टी ठीक है अब देखिए यहां से शुरू करते हैं यह है फोर वन फोर्टी वन अब इस, इसका नंबर नेम क्या है एफ ओ आर टी वाई फोर्टी ओ एन ई वन फोर्टी वन फोर टू फोर्टी टू एफ ओ आर

फोर्टी वन से लेकर के फिफ्टी तक नंबर्स नेम अब आपने उसमें देखा कि सब में एफ ओ आर टी वाई फोर्टी 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 यहां तक फोर्टी नाइन तक आया है और उसके आगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन की स्पेलिंग आप लिखते गए है ना तो फोर्टी वन फोर्टी टू फोर्टी थ्री फोर्टी फोर फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स फोर्टी सेवन फोर्टी एट फोर्टी नाइन तक स्पेलिंग बन गई उसके बाद फिफ्टी की यहां पर आकर चेंज हो गई फिफ्टी की स्पेलिंग क्या हो गई एफ आई एफ टी वाई फिफ्टी राइट तो ये हमने 41 से लेके 50 तक नंबर्स नेम अपने कंप्लीट कर लिए हैं तो आप सभी को अपनी नोटबुक में साफ साफ हैंड राइटिंग में इन नंबर्स नेम को लिखना है और 1 से लेके 50 तक आपको नंबर्स नेम लर्न होने चाहिए ठीक है ना तो सभी बच्चे 1 से लेके 50 तक नंबर्स नेम को लर्न करेंगे और अपनी नोटबुक में साफ साफ इसे लिखेंगे अपनी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे राइट तो आज के लिए इतना ही बच्चों थैंक यू एंड गुड डे आई होप यू एंजॉयड आर वीडियो थैंक्स फॉर बींग विद